नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग बोलते हैं कि हमको ज्ञान तो बहुत है मगर सफलता मिलती नहीं, उसका क्या कारण है। देखो, ज्ञान लोगों को बहुत है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उसका फायदा क्या है? आज तो ज्ञान तो ऐसा है कि आप गूगल के ऊपर जाओ, एक क्लिक करो तो दुनिया में जितना चाहे उतना ज्ञान आपको मिल जाएगा। सच्ची प्रॉब्लम जो है वह कृति करने का, एक्शन लेने का। समझो, आपको बॉडी बिल्डिंग करने का है और बॉडी बिल्डिंग का आपको बहुत ही ज्ञान है। तो ज्ञान बहुत है तो आपकी बॉडी बिल्डिंग हो नहीं सकती। उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई कोच रखना पड़ेगा, कोई खाना पीने में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा और बाद में आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। समझे, आपको कुछ कौशल्य प्राप्त करना है, कुछ नई बुक, नई किताब पढ़ना चालू करना है, विजुलाइजेशन टेक्निक सीखने का है, मेडिटेशन सीखने का है, या कोई नॉलेज बहुत सारा लेने का है, या कोई डिग्री लेना है, या और कुछ आपके गोल्स पक्के करने हैं, तो ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ही आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्शन लेनी चालू करेंगे और वो आज एक्शन लेनी चालू करनी पड़ेगी, मतलब आज, टुडे, राइट नाउ। हम क्या करते हैं कि एक्शन पोस्टपोन करते रहते हैं, कल करेंगे कल करेंगे ऐसा बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज, DK, ये आज की समस्या नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, DE, ये आज की समस्या है। लोगों को चाहत बहुत है, लोग निर्णय भी बहुत ले लेते हैं मगर चाहत बहुत है और निर्णय लेके कुछ होता नहीं है। समझो, आपको मैं एक पूछ रहा हूं सवाल कि एक दीवार के ऊपर 5 मुर्गियां बैठी हुई है, उनको खाटिक मारने के लिए भी आने वाला है और 5 मुर्गियों में से 3 मुर्गियां जो है उन्होंने निर्णय लिया कि यहां से उड़ के भाग जाना। वो 3 मुर्गियों ने निर्णय लिया तो कितनी बच जाएंगी? तो यूजुअली अपने दिमाग में आता है कि 2 बचेगी। मेरे सही से गलत जवाब है, पक्का गलत जवाब है। कैसा? क्योंकि 5 मुर्गियों ने उड़कर जाने का निर्णय लिया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उड़ी नहीं। इसका मतलब है क्या है? निर्णय लेके कुछ होता नहीं, चाहत से कुछ होता नहीं। मैं आपको मतलब कुछ बता सकता हूँ, कुछ नॉलेज दे सकता हूँ मगर एक्शन तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा बोला जाता है कि घोड़े को अपन पानी के पास में लेके जा सकते हैं मगर पानी तो घोड़े को पीना पड़ेगा। एक चीनी कहावत है कि 1000 मील का जो सफर है लगता बहुत है मगर वो भी हम पूरा कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक कदम डालना जरूरी है और वो कदम डालने की शुरुआत करनी पड़ेगी और वो आज ही करनी पड़ेगी। तो आज आपको असामान्य जीवन जीने का है तो आज डिसीजन ले लो, उसके ऊपर विश्वास रखो कि नहीं मैं ये कर सकता हूं और उसके लिए काम करना शुरू करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सफलता आपकी पैर चूम लेंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो। आप लाइक करते हैं ना तो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो और सब्सक्राइब करो। उसके बाद में घंटी आएगी, उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो जो मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।